आज दिनांक 10 मार्च 2021 को महंगाई को लेकर नई आबादी खतेना के मदरसे में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें आगरा के समस्त लेडीज चप्पल एसोसिएशन के दुकानदार नई आबादी खतेना, प्रभु टॉकीज, नोवस्ता, तेलीपाड़ा, लोहा मंडी, जटपुरा, खातीपाड़ा, गोकलपुरा, नाई की मंडी, बोदला आदि कारखाने वालों ने एक बढ़ती महंगाई को लेकर एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें उनकी मुख्य मांगे ये थी। आए दिन लेडीज चप्पल के हर मटेरियल पर, हर चीज पर पैसे बढ़ रहे हैं, हर चीज पर महंगाई हो रही है, लेकिन हींग की मंडी के जूता व्यापारी लोग कारखाने वालों के माल पर कोई पैसा नहीं बढ़ा रहे हैं। ऊपर से हींग की मंडी के व्यापारी लेडीज चप्पल और जूते के एक जोड़ी के ऊपर 5 से 10% की कटौती सालों से काटते हैं और काट रहे हैं, जिससे हर लेडीज चप्पल के छोटे व बड़े कारखाना चलाने वाले दुकानदारों को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। और इन छोटे बड़े कारखानों वालों के सामने बहुत बड़ी मुसीबत बनी है, कैसे यह लोग इस महंगाई में अपना व्यापार को चलाएं। इसलिए आज नई आबादी खतेना के मदरसे में ये मीटिंग आयोजित की गई। इसमें मुख्य रूप से मोहम्मद तनवीर, मोहम्मद गुलजार, जाहिद हुसैन कुरैशी, शफीक उद्दीन बबलू, शरीफ खान, हाजी मोहम्मद बाबर, सलीम उद्दीन, गफ्फार अंसारी, मोहम्मद अनीस बॉस, रफीक उद्दीन अंसारी, मोहम्मद वसीमुद्दीन, लाल कुरैशी, लाला कुरैशी, नजमुद्दीन अंसारी, बाटे भाई, अजीम अंसारी, हाजी भुट्टो अब्बास, आसिफ अब्बास, आदिल अब्बास, मोहम्मद फहीमुद्दीन, मोहम्मद कदीर अंसारी, जाकिर अंसारी, मोहम्मद कंजे, जुबैर सैफी, नईम उद्दीन, मोहम्मद रफीक उद्दीन अंसारी, विक्की कुरैशी, बंटी अंसारी, आशु अंसारी, मोहम्मद सोनू, शानू अंसारी, मोहम्मद छोटू असकार अंसारी, नासिर अब्बास, हाजी रेहान, पपुआ अंसारी, सईद अंसारी, रियाजुद्दीन अंसारी, अमीन खान, मोहम्मद अय्यूब, बन्ने खान, गुलाम रसूल, अजीम अंसारी, बसीम अंसारी, बबलू अली, सद्दाम हुसैन, रईसो आदि सभी लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। आगरा से हैदर अली की रिपोर्ट, प्राइमेटी न्यूज़। इसके लिए हम पूर्ण रूप से अपने कारोबार बंद करेंगे और बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे आगरा शहर में। तनवीर, मोहम्मद तनवीर अंसारी। सर, यहाँ आज ये जूता के जूते मैन्युफैक्चर जो एकत्रित हुए हैं, आज किस लिए हुए हैं? जी, ये हुए हैं, ये फॉर्म वाले, पीयू वाले, दूध वाले, ये सभी लोग अपना पैसा पैसा बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारा इंक्वेंटी कोई पैसा नहीं बढ़ रहा है, हम उनके वाले हैं, जी लोग जी पैसा बढ़ा सब बढ़ा रहे हैं रोज। ऐसे जैसे मान के चलो शेयर बाजार जो होता है, जिस तरीके से एक हर 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद पैसा बढ़ता है, ऐसे ही इस लेडीज चप्पलों का फॉर्म वालों का हिसाब हो गया है। शेयर बाजार बना दिया बिल्कुल, हर 1 घंटे बाद 20 रुपये 30 रुपये बढ़ रहे हैं। इसलिए जूता के जो मैन्युफैक्चर हैं उनके पैसे नहीं बढ़ रहे हैं? जी नहीं बढ़ रहे, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं। अपने जोड़ी 200 रुपये लागत आ रही है, वो 95 रुपये में लेने को तैयार हैं और हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हम जो चाहते हैं कि जो कटौती है हमारी वो माफ़ करी जाए, जो आपकी मुख्य मांग है जी, मुख्य है कटौती। और हमारी सुनवाई करी है, जोड़ी पे हमारे पैसे बढ़ना चाहिए। कटौती कितना? मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर। सर, आज यहाँ सब लोग एकत्रित हुए हैं, जो जूता के मैन्युफैक्चर हैं सब लोग एकत्रित हुए हैं, वो किस बात को लेकर एकत्रित हुए हैं? देखिए, बरसों से जो हिंगी मंडी के व्यापारी हैं, जो हम लोगों से माल खरीदते हैं, तो वो हमारा बरसों से शोषण कर रहे हैं। पहले जो नीतियाँ थी काम करने की, वो नीतियाँ अब उनकी नहीं हैं। अब वो सिर्फ ब्लैकमेल करने का काम करते हैं, हमारा ही पैसा लगाते हैं कारोबार के अंदर और हमारा ही पैसा रोकते हैं। सालों और महीनों के बाद हमको पेमेंट देते हैं और उस पर उन्होंने शर्तें लगा रखी हैं कि आपकी कटौती कटेगी, डिब्बा आपका होगा, पन्नी आपकी होगी, पैकिंग आपकी होगी, रिक्शे का भाड़ा आपका होगा, आप सिर्फ हमें माल पैक करके दीजिए तैयार। अब मान लीजिए रोज़ हर मटेरियल पे, जितना भी इसका रॉ मटेरियल है, सब पर बराबर पैसे बढ़ रहे हैं। जहाँ पेट्रोल के पैसे बढ़ रहे हैं, वहीं उन्होंने, अगर पेट्रोल पे कुछ बढ़ रहा है लेकिन उससे कहीं 10 गुना ज़्यादा वो रॉ मटेरियल पे पैसे बढ़ा रहे हैं। और जितने भी जमाखोर हैं, मैं कहता हूँ और जिला प्रशासन से अनुरोध करता हूँ, बल्कि सरकार से मांग करता हूँ कि जितना रॉ मटेरियल का स्टॉक करने वाले और जितना भी ब्लैकमेल करने वाले लोग हैं, मजदूर